तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट वेरिएबल्स। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कंडीशन के हिसाब से मैं रेंडरिंग कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो एलिमेंट शो हो या फिर वो कंपोनेंट शो हो। अब बात आती है कि कंडीशन के हिसाब से वो एलिमेंट मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊँ। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंडीशन कितने तरह की हो सकती है, जैसे इफ एंड एल्स यूज किया मैं इसको और कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ, वो आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। तो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। तो सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि मैं वेरिएबल्स के अंदर कंडीशन के हिसाब से कंपोनेंट कैसे स्टोर कर सकता हूँ, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक लेट बटन नाम का वेरिएबल बनाया और एक कंडीशन बनाई। क्या कंडीशन है? लॉग आउट के। अगर लॉग आउट हुआ तो कौन सा बटन आया मेरा? लॉग इन का, वो स्टोर हो जाए बटन के अंदर वेरिएबल के अंदर, एंड गेस्ट ग्रीटिंग मेरा विजिबल हो जाए यानी कि रेंडर हो जाए ब्राउजर पे, राइट। तो इस तरीके से एक कंडीशन मैंने पहले डाली। सो जैसे ये कंडीशन चेंज हुई, लॉग इन हुई, तो ये बन जाए मैसेज कौन सा आ जाए आपका? यूजर ग्रीटिंग का, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ वो हम कोड के थ्रू समझते हैं। तो कोड पे चलते हैं। ओके, सो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखते हैं। सबसे पहले पर चलते हैं अपन ग्रीटिंग वाले मैसेज पे। तो यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है, तो ये वाला कंपोनेंट स्टोर है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा। एक का नाम रखेंगे अपन लॉगिन बटन, ठीक है, और एक का नाम रखेंगे अपन लॉग आउट बटन JS, राइट। और इसके अंदर RFCE करके, बिल्कुल बढ़िया। और इसी के अंदर अपन कर लेते हैं RFCE, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दो बटन बन गए आपके। अब क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉप का काम हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज स्टेट बनाऊंगा और इसका नाम रख देंगे अपन इज लॉक्ड इन, ठीक है। शुरू में वैल्यू फॉल्स रखेंगे यानी लॉग्ड इन नहीं है, राइट, जैसे हमने लॉग आउट वाला किया था कंडीशन, ओके। और फिर मैं यहाँ पे एक लेट बटन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड कंडीशन के हिसाब से, जैसे इज लॉग्ड इन हुआ तो बटन के अंदर कौन सा आ जाए, लॉग आउट वाला आपका बटन है। अगर लॉग्ड इन है तो लॉग आउट हो जाए, है ना, बटन वो शो होना चाहिए। और एल्स में आपका बटन के अंदर लॉग इन बटन हो जाए, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करता हूं, डिफ के अंदर ये वाला भेज देते हैं और यहां भी डिफ के अंदर आपका ये कंपोनेंट आ गया, राइट। अब यहां पे भी थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इस लॉग्ड इन होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। एंड ऐप के अंदर चलते हैं, यहां पर मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बंद, ओके। इतना काम हो गया, बढ़िया। अब इसे एक बार यहां पर और यहां पर मैं बटन को कॉल करा देता हूं, इसको नीचे रख लेते हैं और यहां पर भी इस बटन को पेस्ट मारते हैं, बढ़िया। अब इसको एक बार रन करते हैं, npm start, ओके। सो ये स्टार्ट हो गया बट यहां पे एरर आया, कहता है यू स्टेट हमने डिफाइन ही नहीं किया। यस, हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसको जरा यहां पर डिफाइन किया जाए यानी कि इंपोर्ट किया जाए। अब देखते हैं वर्किंग गुड, बट अभी तो टेक्स्ट आ रहा है, बटन तो आ नहीं रहा, तो इसको अब ठीक करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बटन बना देता हूं, ठीक है, इसको लिख देते हैं लॉग इन और यहां पर मैं बटन बनाता हूं लॉग आउट का, ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं, या बटन आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके क्लिक पे, जैसे मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला मैसेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे लॉग आउट बटन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर मैं const लॉग इन नाम का एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सेट इज लॉग इन के अंदर ट्रू कर दूंगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेट स्टेट के अंदर वो क्या कर दे, इस सेट इज लॉग इन के अंदर वो ट्रू वैल्यू डाल दे, ठीक है। और एक इसको फिर कॉपी करके लॉग आउट का भी बना लेते हैं एंड यहां पे वो फॉल्स वैल्यू डाल दे। अब क्या करूंगा, अब इस इन दोनों फंक्शन को इन दोनों कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप भेजूंगा,
ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक प्रॉप बनाऊंगा ऑन क्लिक नाम का, ठीक है। लॉगआउट क्या, लॉगआउट के टाइम पे कौन सा चलना चाहिए? लॉगआउट के टाइम पे अपन को लॉगआउट वाले भेजना पड़ेगा, राइट। और लॉगिन के टाइम पे लॉगिन वाला, बढ़िया। अब क्या करते हैं, लॉगिन वाले बटन पे जाते हैं, यहाँ पर एज अ प्रॉप कॉल करवाते हैं और इस पे हम इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक और प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक, ये प्रॉप मुझे कॉल करवाना है। सेम फॉर लॉगआउट, यहाँ पर सबसे ऊपर पहले प्रॉप कॉल करा लें एंड यहाँ पर प्रॉप्स के अंदर ऑन क्लिक, बिल्कुल बढ़िया, या सब ठीक है। इसको साइड वाले को बंद करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी फॉल्स कंडीशन थी, तो फॉल्स वाले में एल्स वाला पार्ट चला आपका और उसने लॉगिन वाला बटन स्टोर करा के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे चला होगा, राइट। और जैसे वो लॉगिन हुआ यानी ट्रू हुआ, तो लॉगआउट वाला बटन अपना स्टोर करा है और ये वाला यूजर ग्रीटिंग वाला मैसेज दिखा दिया एंड बटन को दिखा दिया। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं, राइट। सो अगला जो टॉपिक है वो है आपका है टाइप्स ऑफ कंडीशन। अब जो मैंने इफ एंड एल्स यूज किए हैं, इनको मैं और कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ या किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपन इन लाइन इफ एल्स विद कंडीशनल ऑपरेटर। सो कंडीशनल ऑपरेटर के हिसाब से देखें, अगला जो होगा वो होगा आपका इफ विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर। जो लैंड एंड ऑपरेटर होता है लॉजिकल वाला, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन लाइन इफ एल्स विद कंडीशनल ऑपरेटर। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है वही है। जैसे कंडीशन है क्वेश्चन मार्क ट्रू कॉलन फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है कि कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई यानी कि सही हुई तो ट्रू वाली जगह पे जाएगा, यानी तो ट्रू वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स हुई, कंडीशन मैच नहीं की, तो वो फॉल्स वाले कोड पे एग्जीक्यूशन दिखाएगा, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बहुत सिंपल करेंगे, इसको छोटा करते हैं जो मैं सिंपल भाषा में बोलूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेट बटन बनाया है, इसको यहाँ पे लेता हूँ और इसको यहाँ पे मारते पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इज लॉग इन हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रू फॉल्स पे कंडीशन पे काम करता है, राइट। तो ट्रू हुआ ट्रू वाले पार्ट पे जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रू वाले पार्ट पे डाल देता हूँ ये वाली कंडीशन, ठीक है, और फॉल्स वाले पार्ट पे डाल देता हूँ ये वाला कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट मैंने डाल दी, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा सेम, अगर कंडीशन हुआ, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरा कोड आपका यहाँ पे आ जाए और कॉलन में ये पूरा कोड आ जाए और नीचे वाले एंड को हटा दे। तो अगर लॉगिन हुआ तो क्या करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं हुआ फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ वर्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। ये छोटा कर देता है कोड, ज्यादा लंबा कोड नहीं होता, ठीक है। आपको इफ एंड एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन मार्क डालिए एंड ट्रू एंड फॉल्स वाली जगह पे अपने कंपोनेंट या जो भी अपने वेरिएबल या जो वैल्यू रखनी वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में रिएक्ट कंपोनेंट को, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली कंडीशन टाइप को। सो आज हमने क्या क्या कवर आउट किया, आज हमने कवर आउट किया कि एलिमेंट को मैं वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर कर सकता हूँ कंडीशन के हिसाब से, और कितने तरीके कंडीशंस होती हैं वो हमने पढ़ा, और उसमें से पहली कंडीशन के बारे में पढ़ा जो कि था कंडीशनल ऑपरेटर्स, कि उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।